झारखंड की तमाम खबरें नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नौडीहा के खैरा दोहर पंचायत अंतर्गत आदिवासी बाहुल क्षेत्र गोवादाग में स्थित एकमात्र वन प्राथमिक विद्यालय का चार वर्ष पूर्व राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैरा दोहर में मर्ज हो जाने के बाद विद्यालय का हाल तो बदहाल हो ही गया है, साथ ही विद्यालय में पढ़ रहे गरीब वर्ग के बच्चों का भविष्य भी एक बार फिर अंधेरे में है। गोवादाग गांव में अधिकतर जनसंख्या आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों की है। गोवादाग में प्राथमिक विद्यालय खुल जाने से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ चुके उन बच्चों में धीरे धीरे विद्यालय जाने और पढ़ने को लेकर रुझान बढ़ ही रहा था कि तब तक रघुवर सरकार की नीति ने इस विद्यालय को बंद कर 5 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में मर्ज कर दिया, जिसके बाद विद्यालय में पढ़ रहे करीब 200 बच्चों को नदी नाले और पहाड़ पार कर 4 किलोमीटर दूर पैदल जाने में काफी कठिनाई होने लगी और इस वजह से आधे से अधिक बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया और गाय बकरियों के चरवाही जैसे कामों में लग गए। वहीं चार वर्षों से बंद लाखों रुपए की लागत से बना गोवादाग पाठशाला भी धीरे धीरे गोदाम व पशुशाला में तब्दील हो गया। इस संबंध में नौडीहा बीईओ नंदलाल महतो ने बताया कि इस विद्यालय को पुनः खोलने को लेकर प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक में एक वर्ष पूर्व सहमति बनने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन अब तक इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया।